नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पड़ोसी देश। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एग्जाम में आते भी हैं या नहीं, ऐसे हम तो नहीं पढ़ रहे ना। आपको एक विश्वास दिला दे रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि चार मतलब किस चीज़ का, एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई। तो उस दिन कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आप उसमें वीडियो में आप देख सकते हो। तो पहले पड़ोसी देश से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। अगर दोस्तों आपके दोस्तों में से मतलब फ्रेंड्स सर कोई एसएससी का स्टूडेंट है तो आप उससे भी आके पूछ सकते हो, क्या एसएससी के स्टूडेंट में ये पूछा जा मतलब एसएससी के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें सभी में पड़ोसी देश से एक एक क्वेश्चन रह रहे हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि आपको एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े। अगर आप एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पड़ोसी देश से क्वेश्चन जो है गलत कर भी देते हो तो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वहाँ पर निगेटिव मार्क्स नहीं थे। लेकिन आप नेवी एसएसआरई और डबल ए में आप गलत करके आ जाते हो तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ जाएगा। मेरे कहने का मतलब 0.25 मार्क्स आपके सही मार्क्स में से कट जाएंगे, मतलब आपके पास अगर एक नंबर आता है तो उसमें से 0.25 मार्क्स जो है कट जाएंगे उसमें से, अगर आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया तो। तो गलत करने से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, इससे अच्छे से रट लेना होगा। तो चलिए इससे हम पहले परिचय करा दें आपका। तो पड़ोसी देश से कितने पड़ोसी देश जो है भारत के सटे हुए हैं, मतलब भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश है दोस्तों, जिसमें से स्थलीय सीमा से 7 देश सटे हुए और जलीय सीमा से मात्र 2 देश सटे हुए हैं। तो स्थलीय सीमा से कौन कौन से सटे हुए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार रख लो अगर रखा हो तो, और जलीय सीमा से श्रीलंका और मालदीव सटे हुए हैं। चलिए आपने परिचय तो कर लिया कि कौन कौन से देश जो है पड़ोसी देश है हमारे, तो हम बस चर्चा यहाँ पे करेंगे स्थलीय सीमा की कि स्थलीय सीमा वाले अगर सटे हुए हैं भारत के तो किन किन राज्यों से सटे हुए हैं। जैसे कि मान लो अफगानिस्तान जो है कि भारत के किन किन राज्यों से अपना बॉर्डर जो है मतलब सीमा जो है साझा करता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो हम इसे क्लियर कर लेते हैं इस वीडियो में। हमारा सबसे पहला पाकिस्तान। पाकिस्तान दोस्तों 4 राज्यों से सटा हुआ है भारत से, मतलब पाकिस्तान का बॉर्डर जो है भारत के 4 राज्यों से सटा हुआ है। पहला पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, इन 4 राज्यों से पाकिस्तान का सीमा जो है साझा होता है मतलब सटा हुआ है। इसलिए मैं कोई ट्रिक वगैरह नहीं बताऊंगा, वैसे ट्रिक तो इसके सारे बहुत सारे हैं, जैसे पंगू राज हो गया, जैसे पंगू राज में हो गया आपका पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। तो बट ट्रिक रटना बेवकूफ़ी होता है जीके जीएस में, क्योंकि जीके जीएस का कोई अंत नहीं है, ये अनंत जीके जीएस होते हैं। आप इसके लिए कितना ट्रिक रटोगे उससे अच्छा है कि अपडेटेड इसका आंसर याद कर लो, ठीक है। तो आप देखो नेक्स्ट पाकिस्तान जो है 4 राज्यों से सटा हुआ है, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट हमारा अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान मात्र एकमात्र ऐसा राज्य सॉरी देश है जो भारत के मात्र एकमात्र ही राज्य से सटा हुआ है। कहने का मतलब पाकिस्तान सिर्फ जम्मू और कश्मीर से सटा हुआ है और इसके अलावा क्योंकि भारत के किसी राज्य से नहीं सटा हुआ है। नेक्स्ट हमारा चीन है दोस्तों, ये जो है टोटल 5 राज्यों से हमारा सटा हुआ है। चीन कितने राज्यों से, 5 राज्यों से सटा हुआ है। पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन 5 राज्यों से सटा हुआ है चीन हमारा। नेक्स्ट देखते हैं नेपाल। नेपाल भी क्या है, 5 राज्यों से ये भी सटा हुआ है। आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, नेपाल भी हमारे कितने राज्यों से सटा हुआ है, तो ये भी 5 राज्यों से सटा हुआ है। तो आप इसे स्क्रीन शॉट करके जितने मतलब 7 राज्य हैं मैं बारे में बता रहा हूँ, तो 7 आपका स्क्रीन शॉट हो गया, मतलब 7 फोटो में आएंगे, उसको स्क्रीन शॉट करके आप रख लो, एक बार देखते रहना जब टाइम मिले। ये भूटान, भूटान हमारा टोटल 4 राज्यों से सटा हुआ है, सिक्किम से सटा है, पश्चिम बंगाल से सटा है, असम से और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसके लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं है, आपको टिप्स एंड ट्रिक रटना बेवकूफ़ी हो क्योंकि एग्जाम में आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ये बिल्कुल आप इसे लिख लिख के आप याद कर लो, ठीक है। पाकिस्तान लिखो और यहाँ पर इमेजिन करो कौन कौन से राज्यों से सटा हुआ है, या फिर एक मैप आप ले लेना, उसके थ्रू आपको मैप देख के अच्छे से याद हो जाएगा इन सब के लिए वीडियो देखने के बाद। और बांग्लादेश हमारा जो है पश्चिम बंगाल से सटा है, असम से सटा है, मेघालय से सटा है, त्रिपुरा और मिजोरम से सटा हुआ है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लो। फिर से हमारा लास्ट का बचा दोस्तों म्यांमार। म्यांमार भी हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से सटा हुआ है। तो दोस्तों ये सारे 7 राज्य जो हमारे स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं, तो भारत के किन किन राज्यों से सटे हुए हैं मतलब वो साझा करते हैं अपना सीमा जो है, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। और इसे आपको याद करना आपके ऊपर रह गया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे याद करते हो कि नहीं। अगर याद करते हो तो आपको ये एग्ज़ाम में एक नंबर मिलेंगे या हाँ एक ही नंबर मिलेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि किसी एक नंबर आपको वहाँ पर इकट्ठा करना होगा। दोस्तों आप इसे अच्छे से याद कर लो।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ए टू जेड स्टडी चैनल हमेशा आपके सेवा में तत्पर रहेगा, और आई होप कि आप इसे फ्रेंड्स से शेयर करोगे। थैंक यू फ्रेंड्स।